वेलकम टू द चैनल आरबी फैंटेसी 7। आज के वीडियो में हम बात करने वाले वुमेन्स एनबीए का जो मैच खेला जाने वाला है मिनेसोटा लाइनिंग्स वर्सेस अटलांटिका ड्रीम्स के बीच में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइनअप में जो भी अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होंगे उसके लिए जो फाइनल टीम और फाइनल अपडेट है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। अगर आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुए तो वहाँ पर ज्वाइन कर लेना। कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक देकर रखिए। सारे विन और लॉस आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। बात करेंगे आज के मैचेस के बारे में। सबसे पहले दोनों टीम में कंपैरिजन। इस सीज़न में दोनों टीम के बीच में जो लास्ट दो हेड टू हेड मैच हुए दोनों मैचेस मिनेसोटा ने विन किए और वो भी वन साइडेडली विन किए। लेकिन थोड़े से सिनारियोज अलग थे मिनेसोटा की तरफ से। इनकी जो मेन प्लेयर थी कोलियर वो खेल रही थी। अभी फिलहाल कोलियर नहीं खेल रही। पिछले कुछ मैचेस मिनेसोटा के लिए इतने अच्छे रहे नहीं। ओवरऑल पिछले चार मैचेस के बारे में बात करेंगे दोनों टीम के, तो चार में से चार मैच लॉस के साथ आ रही है। अटलांटिका ड्रीम्स पिछले चार में से दो मैच ये टीम हारी है और दो मैच जीती है, और जो दो मैच हारी है उसमें से एक मैच क्लोज मार्जिन वाला रहा था। तो कंपेरेटिवली मिनेसोटा थोड़ी सी स्ट्रांग टीम है और आज का मैच अपने होम में भी खेल रहे तो मिनेसोटा थोड़ी सी फेवरेबल रहेंगी आज का मैच विनिंग के लिए। बात करेंगे दोनों टीम की तरफ से प्रोबेबल स्टार्टिंग लाइनअप और इंजुरी अपडेट्स। तो इंजुरी अपडेट्स के लिए सबसे पहले जो रियाना हेरवर्ड है अटलांटिका की तरफ से वो प्रोबेबल है आज के मैच के लिए खेल सकती है। लेकिन पिछले 10 मैचेस यहाँ पर इस प्लेयर ने मिस किए, हो सकता है टाइम लिमिटेशन के साथ खेलेंगे। पर्सनली मुझे लगता है ये प्लेयर 20-25 मिनट आपको खेलते देखने को मिलेंगे, उससे ज़्यादा टाइम मिलने की पॉसिबिलिटीज़ थोड़ी सी कम है क्योंकि पिछले 10 मैचेस में खेले नहीं, तो आते ही फर्स्ट मैचेस में ज़्यादा टाइम इनको मिलेगा नहीं। स्टार्टिंग लाइनअप में भी रहेंगे लेकिन यहाँ पर आप क्रेडिट इशू हो सकता है तो आप इनको ड्रॉप करने का रिस्क भी ले सकते हो। ओवरऑल बाकी के लाइनअप आपको सेम देखने को मिलेंगी। कार्डवेल स्टार्ट करती हुई देखने को मिलेंगे आपको पॉइंट गार्ड पोजीशन से। शूटिंग गार्ड पोजीशन से रियाना हेवर्ड वापस आ चुकी तो वो स्टार्ट करेंगी। शायद कॉफी भी आज के मैचेस में आपको स्टार्टिंग लाइनअप में देखने को मिलेंगी। एलिसा ग्रे फॉरवर्ड पोजीशन से और उसके बाद सेंटर पोजीशन से स्टार्ट करती हुई देखने को मिलेंगी टीनो चास। ये इस टीम की तरफ से प्रोबेबल स्टार्टिंग फाइव हो सकती है। इस टीम में सबसे जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है एलिसा ग्रे, एक तो क्रेडिट से और क्रेडिट इस प्लेयर के बहुत कम किए, और इतने क्रेडिट में अगर एलिसा ग्रे आपको मिले तो आंखें बंद कर आप इनको अपने टीम में रख लेना। सबसे ज़्यादा यहाँ पर मुझे लगता है सबके पास रहेंगे यहाँ पर ये प्लेयर, तो ड्रॉप करने का कोई भी रिस्क लेंगे नहीं। उसके बाद कार्डवेल लास्ट मैच अच्छा कर आ रही है, बहुत अच्छी प्लेयर है और इन्होंने भी रेगुलरली अपने टीम के लिए परफॉर्मेंस दिया है। लास्ट मैच अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो टीम की तरफ से सबसे ज़्यादा टाइम मिला था और परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा आया था और फील्ड गोल से भी अच्छे शॉट्स लिए थे। सेकेंड बेस्ट प्लेयर एलिसा ग्रे, तो ये दोनों प्लेयर ऐसे रहेंगे जो आप स्मॉल लीग में रख सकते हो। हेवर्ड 10 गेम मिस कर आ रही है, टीम की बेस्ट प्लेयर है लेकिन फर्स्ट मैच है तो मैं इनको ड्रॉप करने का यहाँ पर आपके लिए सजेशन दूंगा। कॉफी स्टार्ट करती है तो टाइम थोड़ा सा कम मिलता है, इनको भी आप ड्रॉप कर चले जा सकते हो। टीनो चार्ल्स को भी रिसेंटली कुछ मैचेस में बहुत कम टाइम मिला है क्योंकि बैन से कैंडस पार्कर की तरफ से अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है चेन्नी पार्कर की तरफ से, तो उसके चलते आप इनको टीम में रखना लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए थोड़ी सी रिस्की पिक। ये इस टीम की तरफ से जो तीन प्लेयर है ये शायद मेरे टीम में रहेंगे, तीनों अच्छे प्लेयर है। उसके बाद नाज हिलमन भी हो सकता है आपको स्टार्टिंग लाइनअप में देखने को मिलेंगे कॉफी की जगह पर, अगर कॉफी स्टार्ट नहीं करती। टीम की तरफ से अगर बैंच प्लेयर देखेंगे तो बैंच से रेगुलरली परफॉर्मेंस आ रहा है पार्कर का। पार्कर की तरफ से अगर परफॉर्मेंस आ रहा है तो टीनो चार्ल्स पर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा है, टीनो चार्ल्स को थोड़ा सा कम टाइम मिला है। उसके बाद एलिस पावर रेगुलरली परफॉर्मेंस दे रहे हैं अपने टीम के लिए लेकिन क्रेडिट अगेन इनके बहुत ज़्यादा है। कॉफी लास्ट मैच बैंच के लिए थी लेकिन इनकी ये स्टार्टर है, हो सकता है आज के मैचेस में आपको स्टार्टिंग लाइनअप में देखने को मिलेंगे। फिलहाल के लिए यही दोनों प्लेयर मुझे लग रहे हैं जो कि बेस्ट है। कॉफी अगर यहाँ पर खेलती है स्टार्टिंग लाइनअप में तो हिलमन भी एक ऐसे प्लेयर है जिन्हें आप ट्राई कर सकते हो आपके ग्रैंड लीग टीम में। तो ये इस टीम की तरफ से तीन बेस्ट बेंच प्लेयर। सेकंड साइड लिए बात करेंगे हम मिनेसोटा, जो कि आपने होम में आज का मैच खेले और प्रोबेबली आज के मैचेस के लिए विनिंग स्ट्रॉन्ग टीम है। टीम की तरफ से कोई चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे नहीं, सेम स्टार्टिंग लाइनअप और कोलियर जो इनकी यहाँ पर मेन प्लेयर है उनके ऊपर आज के मैचेस में गेम टाइम डिसीजन है। अगर यहाँ पर ये प्लेयर खेलती तो अगेन आपके लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगी। इन्होंने भी पिछले 5 मैचेस मिस किए। अगर ये प्लेयर खेलती फुल टाइम खेलती तो आप इनको लेकर चले आना। अगर यहाँ पर ये प्लेयर खेलती है और टाइम लिमिटेशन के साथ खेलती तो फिर इसकी प्लेयर। बाकी ओवरऑल आपको शायद स्टार्टिंग लाइनअप सेम देखने को मिलेंगी। मैकडे स्टार्ट करते हुए देखने को मिलेंगी पॉइंट गार्ड। शूटिंग गार्ड पोजीशन से कोर्टी विलियमसन। स्मिथ स्टार्ट करेंगे स्मॉल फॉरवर्ड पोजीशन से। पावर फॉरवर्ड पोजीशन से आपको स्टार्टिंग लाइनअप में देखने को मिलेंगी ब्रिज कार्लटोन। और सेंटर पोजीशन से जोहान्स आपको स्टार्टिंग लाइनअप में देखने को मिलेंगी। ये इस टीम की तरफ से स्टार्टिंग लाइनअप। टीम की तरफ से मेन और इंपॉर्टेंट जो प्लेयर है रेगुलरली परफॉर्मेंस देकर आ रहे तो वो है यहाँ पर मैकब्रिज, कोर्टी विलियमसन और एलिन स्मिथ। इन तीनों प्लेयर को आप अपने टीम में रख लेना। और सबसे बेस्ट जो प्लेयर अभी फिलहाल पिछले एक दो मैचेस में निकल कर आ रहे वो आ रहे ब्रिज कार्लटोन। सभी का परफॉर्मेंस आप देख सकते हो, टॉप परफॉर्मेंस रहे थे लास्ट मैचेस में और स्मिथ की भी तरफ से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आया था लास्ट मैचेस में और फील्ड गोल से शॉट भी लिए थे। जोहान्स भी बहुत अच्छे प्लेयर है लेकिन क्रेडिट इशू के चलते यहाँ पर मैंने इनको ड्रॉप किया है। अगर आपके पास क्रेडिट अवेलेबल है तो इनको आप अपने टीम में रख लेना। फिलहाल मेरे लिए थोड़ा सा पर क्रेडिट इशू आ रहा है तो इनको मैंने ड्रॉप किया है। ओवरऑल स्टार्टिंग लाइनअप अच्छी है और सभी जो प्लेयर है वो इंपॉर्टेंट है।
टीम की तरफ से कुछ बेंच प्लेयर भी है जिन पर आप ग्रैंड लीग के लिए फोकस रख लेना। उसमें आपको हेडमैन मिल जाएंगी जो कि 6.5 क्रेडिट के प्लेयर है और रिसेंटली मैचेस में जो परफॉर्मेंस आ रहा है यहाँ पर सिजिलिया की तरफ से, तो ये भी आपके लिए एक डिसेंट सी पिक रहेंगी लेकिन रिस्की पिक ये दोनों आपके लिए रहेंगी। बाकी ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इस टीम की तरफ से स्टार्टिंग लाइनअप अच्छे, स्टार्टिंग लाइनअप के ही प्लेयर आपके टीम में रख लेना। अभी जो मेरी डेमो ड्रीम इलेवन टीम बनेंगी, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट प्लेयर पॉइंट गार्ड पोजीशन से, तो आपको यहाँ पर मैगब्रिज मिल जाएंगे। उसके बाद खांडा खेल नहीं रहे, हैली जॉन्स अगर खेलेंगे तो बैंस ही खेलेंगे, कालडवेल हो सकता है आपको स्टार्टिंग लाइनअप में देखने को मिलेंगी और हाइडमैन खेलेंगे जो कि यहाँ पर बैंस ही खेलेंगे। ये दो प्लेयर जो कि स्टार्ट करे पॉइंट गार्ड पोजीशन से, दोनों को मैंने अपने टीम में रखा है। उसके बाद हाइवर्ड अगर खेलेंगे तो टाइम लिमिटेशन के साथ खेलने के चांसेस, तो इनको मैं ड्रॉप कर चले जा रहा हूँ। कोटी विलियमसन टीम की मेन प्लेयर है, मेरे टीम में रहेंगे। स्टार्टिंग लाइनअप में आपको कॉफी भी मिलेंगे, बाकी यहाँ पर ये प्लेयर खेलेंगे नहीं, तो ये दोनों प्लेयर में से किसी एक को पिक कर लेना। कोटी विलियमसन मेरे लिए एक डिफॉल्ट पिक। स्मॉल फॉरवर्ड पोजीशन से एलिस स्मिथ लास्ट मैचेस की टॉप स्कोरर रही थी अपने टीम के लिए, तो ये मेरे टीम में रहेंगी। उसके बाद एलिस ग्रे जो कि क्रेडिट सेवर है, बेस्ट प्लेयर है, स्टार प्लेयर है अपने टीम के लिए, तो ये दोनों मेरे टीम में रहेंगी। एलिस पावर ग्रैंड लीग पिक आपके लिए रहेंगी, इनको ग्रैंड लीग में रख लेना, बैंस से खेलती है और ज़्यादा टाइम भी इनको मिलता नहीं जितने इनके क्रेडिट है। कोहली और अगर खेलती है और फुल टाइम खेलती है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, और अगर खेलती है तो ये आपके लिए एसपी चॉइस के लिए सबसे अच्छी चॉइस। अगर नहीं खेलती तो यहाँ पर आपको पार्कर मिल जाएंगे, हिलमैन मिल जाएंगे, ये दोनों प्लेयर मिल जाएंगे जो कि डिसेंट है, और उसके बाद ये रिस्की पिक है क्योंकि तीनों आपको खेलते देखने को मिलेंगे। फिलहाल पार्कर को मैंने अपने टीम में रखा है, रिसेंटली मैचेस का परफॉर्मेंस इनके लिए बहुत अच्छा रहा है। ब्रिज कार्लटन स्टार्ट करिए, रेगुलरली अच्छा अपने टीम के लिए देकर आ रहे हैं, तो ये मेरे टीम में रहेंगे। टीनों चार्ल्स की तरफ से इतनी ज़्यादा मुझे उम्मीद नहीं, प्लेयर बहुत अच्छे लेकिन टाइम रिसेंटली दो तीन मैचेस में इनको बहुत कम मिला है, इनकी जगह पर इन्होंने पार्कर को अच्छा टाइम दिया है, तो थोड़ा सा यहाँ पर रिस्की है लेकिन फिर भी मैंने अपने टीम में रखा है क्योंकि क्रेडिट अवेलेबल है। ये मेरी डेमो ड्रीम इलेवन टीम, सभी प्लेयर अगर आप देखेंगे तो सभी स्टार्टर है, और ये जो मैच है ये थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि कोई भी प्लेयर रेगुलर परफॉर्मेंस देने वाला प्लेयर नहीं है, कोई भी प्लेयर आकर परफॉर्मेंस देता है दोनों टीम की तरफ से, क्योंकि कोहली अनअवेलेबल है, उसके बाद हैवर्ड अनअवेलेबल है, दोनों टीम के दोनों स्टार प्लेयर अनअवेलेबल है, तो उसके चलते बाकी के प्लेयर कोई भी आकर परफॉर्मेंस देता है जिनको स्टार्ट अच्छा मिला। फिलहाल इस टीम में मैंने अपने कैप्टन जो बनाए वो बनाए कोटी विलियमसन। कोटी विलियमसन को कैप्टन बनाने के रीज़न है पॉइंट और असिस्ट दोनों सेक्शन से परफॉर्मेंस देती है और डिफेंस भी अच्छा कर लेती है। टीनों चार्ज भी आपके लिए एक डिसेंट ऑप्शन अवेलेबल है लेकिन टाइम कम मिल रहा है तो थोड़ी सी रिस्की रहेगी। उसके बाद वाइस कैप्टनसी के लिए मेरे पास एलिस स्मिथ और मैगब्रिज ये दोनों प्लेयर है। फिलहाल यहाँ पर मैंने स्मिथ के साथ जाने की कोशिश की, लास्ट मैचेस की टॉप स्कोरर अपने टीम के लिए। कोटी विलियमसन का कैप्टनसी सिलेक्शन परसेंटेज बहुत कम है लेकिन फिर से अगेन ये प्लेयर ऐसे प्लेयर है जो कि आप पर पॉइंट रिबाउंड और असिस्ट तीनों सेक्शन से आपको परफॉर्मेंस देकर देंगे और स्टील और ब्लॉक भी आप पर निकालते हैं, लास्ट मैचेस का परफॉर्मेंस भी आप देख सकते हो। ब्रिज कार्लटन एक डिफरेंशियल पिक आपके लिए अवेलेबल रहेंगी। तो ये मेरी डेमो ड्रीम इलेवन टीम, थोड़ी सी रिस्की मैच है, अगर विन हुआ तो वन साइडेडली विन होगा, लॉस होगा तो वन साइडेडली लॉस होगा, क्योंकि कोई भी प्लेयर ऐसे नहीं कि जिन पर आप 100% भरोसा कर सकते हो। फिलहाल ये मेरी फाइनल टीम रहेंगी मोस्टली, अगर लाइनअप में अनएक्सपेक्टेडली कोई चेंजेस होते तो फिर फाइनल टीम मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा जिसकी लिंक मैंने आपको ऑलरेडी देख रखी है कमेंट बॉक्स में। टीम सेव कर रख लेना, फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना। होप गाइज यू हैव टू लाइक दिस वीडियो, इफ यू हैव देन डो नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।